तो हे व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि आप डॉक्टर स्ट्रेंज कंसेप्ट जो मैंने ये वाला बनाया था इसको अपनी फ़ोटो पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस इफेक्ट को, और इसको अपने फ़ोन में पिक्सआर्ट पे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको कुछ ऐसी फ़ोटो खिंचवानी होगी जिसमें कि आप देख सकते हो। आपको ऐसा एक्ट करना होगा कि आप पोर्टल खोल रहे हैं एक्चुअली में, और मैं आपको लेके जाता हूँ पिक्सआर्ट में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको एक्चुअली में स्टेप्स को फॉलो कैसे करना है और क्या क्या आपको करना होगा ताकि आपकी जो फोटो है वो अच्छी बन जाए और वो डॉक्टर स्ट्रेंज कंसेप्ट की तरह ही बने। तो सबसे पहले न्यू फोटो पे जाना है, उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड चूज कर लेना है जो एम्प्टी बैकग्राउंड होना चाहिए। टूल्स पे जाना है आपको, देन उसके बाद क्रॉप पे, देन यहाँ पे मैं लिखूंगा 1280 मे बी 1080 एंड यहाँ पे लिखूंगा 1350 P50। तो गाइज ये मेरा करने का सिर्फ यही एक रीज़न था, क्योंकि ये जो मैंने अभी वैल्यूज डाली हैं ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो वैल्यूज मैंने अभी डाली हैं ये इंस्टाग्राम की जो है पोस्ट का रेजोल्यूशन होता है। अगर आप इस रेजोल्यूशन पे काम करेंगे तो आपकी जो फोटो है उसको इंस्टाग्राम कंप्रेस नहीं करेगा और वो बेकार नहीं लगेगी जब आप अपलोड करोगे। तो उसके बाद आपको गाइज करना क्या होगा, मैं कुछ फोटोज के लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे, आप सिंपली वहाँ से ये फोटोज़ डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी बैकग्राउंड लेयर जो है उसको आगे रखना होगा। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और बैकग्राउंड जो है देखिए कितने सही तरीके से फिट हो गया है। बैकग्राउंड फिट करने के बाद ऐड फोटो पे जाना है, एक और फोटो ऐड करनी है। इस बार हमें हमारा पोर्टल ऐड करना है। पोर्टल ऐड करने के लिए भी मैं जो है आपको सभी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, आपको उससे यूज़ करने हैं सभी। आपको ये पोस्ट ऐड कर देनी है और यहाँ से कुछ इतनी ठीक रहेगी सेंटर में। तो अब गाइस आपको करना क्या होगा, आप जैसे कि आप देख सकते हैं जो ब्लैक एरियाज वो काफ़ी ज़्यादा है साइड पे, तो सिंपली आपको इरेज टूल पे जाना है और उन जगहों को धीरे धीरे हल्के ब्रश के साथ इरेज कर देना है। साइज थोड़ा बड़ा कर दूंगा, ओपेसिटी कम करके हार्डनेस जीरो कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं आपको बस सिंपली धीरे 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 स्ट्रोक मारते जाने हैं। आपको इतने स्ट्रोक्स मारने हैं कम से कम कि जो डिफरेंस है लाइन का ब्लैक कलर का वो कम हो जाए, क्योंकि वैसे भी हमारे मॉडल ने जो है वो सामने आ ही जाना है मॉडल लेयर ने, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सिंपली जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेरे को ये फोटो लग रही है काफ़ी सही लग रही है, इसके बाद सिंपली मैं इसको डन कर दूंगा यहाँ से। अब क्या करना होगा, अब मेरे से ये यहाँ पे गलती हुई है थोड़ी सी छोटी सी, वो ही है कि पहले शेडोज़ ऐड करनी थी फिर उसके बाद लेयर ऐड करनी थी, बट स्टिल कोई बात नहीं, इसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। आपको इस बार ही जाना है और शेडोज़ की लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और इसको प्लेस कर देना है ऐसे और थोड़ा सा नीचे थोड़ा यहाँ लाइक, एंड सिंपली आपको इरेजर टूल पे जाना है, फिर से ब्रश को साइज थोड़ा बड़ा करके हार्डनेस जितनी ओपेसिटी करके हार्डनेस जीरो कर देनी है और यहाँ से बस स्ट्रोक्स लगाते जाना है एंड देयर वी गो, ओके कर देना। तो ये जो है मेरे को यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है। इसके बाद अब आपको करना क्या होगा, फिर से एक बारी और ऐड फोटो पे जाना है, इस बार ये आपको ग्लो ऐड करना होगा। ग्लो की मैं जितनी भी ये सारे PNGs हैं इन सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें। इसको आपने सिंपली क्या करना है, अपनी इमेज के ऊपर ऐसे अप्लाई कर देना और आप ब्राइटनेस उस हिसाब से देख लेना आपको कम लगे या ज़्यादा लगे। मेरे को ठीक लग रही है, मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा, ज़्यादा नहीं, तो मेरे को ये सही लग रही है इतना। उसके बाद अब आपको करना क्या होगा, अब आपको सिंपली आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको फिर से इस बार अपनी आपको मॉडल लेयर को है जो लेकर आना पड़ेगा, मॉडल लेयर को इस हिसाब से लाना पड़ेगा ताकि जो मॉडल लेयर है वो सेंटर में हो जाए। आप ध्यान रखिए आप जब फ़ोटो खिंचवाएंगे तो आपकी जो फ़ोटो है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आऊँगा लाइक दिस, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा। तो गाइस ये मेरे को अब काफ़ी सही लग रही है, अब इसमें जो है कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। अब जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखा होगा जो मेरी शर्ट का कलर है वो ग्रीन होता है ब्लैक की जगह, तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सिंपली एडजस्ट टूल पे जाना है, वहाँ पे ह्यू पे क्लिक करना है और सिंपली चेंज करते जाना है और देखना है ब्लैक कलर को कहाँ पे क्या चीज़ इफेक्ट कर रही है। सैचुरेशन फुल करके देख लें एक बार ही ताकि ये जो चेंजेस है रिफ्लेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं। तो मेरे को जो है वो यहाँ पे चेंजेस जो है अब ठीक लग रहे हैं थोड़े, तो भी मैं सिंपली क्या करूँगा इसको शूट कर दूंगा। तो गाइज इतना ऐड करने के बाद आपको फिर से एक बार ये ऐड फोटो पे जाना पड़ेगा। ऐड फोटो में जाकर अब आपको लास्ट जो है दो स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो मैजिक स्पेल है उसको सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको अपने हाथ पे फिट कर देना है कुछ ऐसे, थोड़ा बड़ा कर देना है और हाथ के सेंटर में फिट कर देना है। इरेजर टूल पे क्लिक करना है, जूम करके मेक श्योर कि आपका इस बार जो ब्रश है वो हार्ड हो काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ वहाँ से इरेज़ करते जाना है, इरेज़ करते जाना है। यहाँ पे आप इतना प्रिसाइज ना भी चलें तो कोई बात नहीं, बिकॉज़ ये काफ़ी दूर से दिखेगा और दूर से वो अपने आप ही ब्लेंड हो जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो सारे PNGs के लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ड्राइव का लिंक है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप अपनी फ़ोटो पे यूज़ करना चाहते हो इफेक्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे को ये सही लग रहा है काफ़ी, मैं सिंपली ओके कर दूंगा और यहाँ से भी ओके कर दूंगा। अब आपको एक बार फिर से और लास्ट टाइम जो है ऐड फोटो पे जाना होगा। वहाँ पे ऐड फोटो पे जाकर आपको इस बार जो ग्रीन कलर का ये जो है ग्लो, इसको ऐड करना होगा। अब इसको मैं सिंपली बड़ा कर दूंगा फ़ोटो के साथ फिट हो जाए ताकि, और इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा थोड़ा छोटा करके जहाँ पे मेरे हाथ पे ग्लो है। सिंपली यहाँ से मैं डन कर दूंगा तो जो मेरी मैनिपुलेशन है या फिर कह लो फोटो एडिटिंग है वो यहाँ पे हो चुकी है डन। तो अभी जो जितना काम रह चुका है वो सारा रह गया है हमारा लाइट रूम में। तो इसको सिंपली मैं ड्रॉ टूल से सेव कर लूँगा। ड्रॉ टूल ओपन करके 3 डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक करके सेव इमेज, तो ये मेरी इमेज है वो सेव हो जाएगी। तो गाइज अब हम आ चुके हैं लाइट रूम में। लाइट रूम में आपको फ़ोटो ऐड करने के बाद सबसे पहले एडजस्टमेंट्स करनी होगी। याद रखना अगर आपने मेरी फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल की वीडियो देखी है जिसमें मैंने कलर करेक्शन के बारे में बताया है, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक होती है कलर एडजस्टमेंट्स, बेसिक नॉब्स देख रहे हो आप, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट एंड ऑल, ये सभी जो हैं कलर करेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। जो बाकी चीज़ें होती हैं वो कलर ग्रेडिंग के लिए होती है। तो अभी मैं धीरे धीरे जो है इनको एडजस्ट करना शुरू करूँगा। जैसे एक्सपोजर मेरे को थोड़ा सा कम चाहिए जस्ट बिकॉज क्योंकि लाइट जो है वो आ रही है और जो सब्जेक्ट है हमारा जो मॉडल लेयर है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा क्योंकि लाइट का सोर्स है जो काफ़ी ज़्यादा है। हाइलाइट्स को मैं बढ़ा दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली जो लाइट का सोर्स है वो ज़्यादा है। शेडोज़ को मैं कम कर दूंगा क्योंकि लाइट जो मेरी तरफ से है वो कम पास हो रही है, शेडोज़ फॉर्म ज़्यादा होंगी। उसके बाद वाइट्स को बढ़ा दूंगा एंड ब्लैक को जो है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। उसका रीज़न क्योंकि ब्लैक को बढ़ाने से जो है वो ब्लैक्स जो हैं फोटो के वो ग्रे हो जाएंगे और ग्रे से ऐसा लगेगा कि ग्लो फेड हो रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने कलर्स नॉब में जाऊँगा। अब मैं कलर्स को जो है वो चेंज करना शुरू करूँगा। अब मेरे को देखना है कि मेरे को यहाँ पे कैसी लुक चाहिए। अब ऑब्वियसली मैं डेजर्ट में हूँ, मेरी जो मॉडल ले रहा है वो डेजर्ट में है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है येलो स्टोन दूंगा। वाइब्रेंस को बढ़ा दूंगा, सैचुरेशन को हल्का सा कम कर दूंगा। मिक्स टूल में जाने के बाद मैं जो है वो 1 by 1 अपनी जो लेयर्स है उनको सिलेक्ट करना शुरू कर दूंगा। अब जो ये है सैंड का रेड कलर, ये मेरे को सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको पहले तो ऑरेंज करूँगा, थोड़ा सा डिसैचुरेट करूँगा क्योंकि वो शेडोज़ हैं, थोड़ी सी इनकी ब्राइटनेस कम करूँगा। दैन जो ऑरेंज कलर है हमारा मेन जो कलर है इसको मैं येलो करूँगा पहले। सैचुरेशन बढ़ा दूंगा क्योंकि ये भी एक लाइट का सोर्स है। लुमिनस थोड़ी सी कम कर दूंगा क्योंकि लाइट बेशक इमिट हो रही है वहाँ से बट वो अल्टीमेटली फॉल हो रही है और जो मॉडल ले रहा है उसके साथ उसके आगे है, तो लाइट जो है वो कैमरा की तरफ कम आएगी और जो है वो थोड़ी डार्क बन जाएगी लाइट होने की जगह। तो येलो में अब क्या करूँगा, मैं येलो में थोड़ी लाइटनेस जो है वो न्यूट्रल रखूँगा, थोड़ी सी बढ़ाऊँगा, सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा दूँगा और इसको थोड़ा सा हू को कम कर दूँगा। अब ग्रीन में जो है हमारे पास सिर्फ हमारे हैंड का स्पेल है, इसके लिए मैं थोड़ी सी ह्यू कम करके सैचुरेशन बढ़ा के लाइटनेस जो है वो बढ़ाने की कोशिश करूँगा, थोड़ी सी बढ़ाऊँगा ज़्यादा नहीं। एंड ब्लूज़ में हमारे पास कुछ है खास नहीं। तो अभी इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट जाना होगा इफेक्ट्स में स्प्लिट टोनिंग। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि आपको बेसिक 2 कलर्स कौन से चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को ग्रीन और येलो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, येलो को मैं हाइलाइट्स में ऐड कर दूँगा सिंपली कम सैचुरेशन के साथ, और ग्रीन जो होगा उसको मैं शेडोज़ में ऐड कर दूँगा थोड़ा। तो अगर मैं बैलेंस करके देखूँ तो अगर मैं लेफ़्ट साइड जाऊँ तो मेरे ग्रीन ज़्यादा हो रहे हैं और अगर राइट साइड जाऊँ तो येलो ज़्यादा हो रहे हैं। थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ रखूँगा बिकॉज मुझे ग्रीन्स जो है वो चाहिए अपनी फोटो में। उसके बाद इसको मैं डन कर दूंगा। यहाँ से मैं टेक्सचर बढ़ाऊँगा हल्का सा, क्लैरिटी हल्की सी बढ़ाऊँगा, डीएस जो है वो मैं कम करने की कोशिश करूँगा क्योंकि अगेन मेरे को ग्रे ग्रेडियंट्स चाहिए। थोड़ी सी विनेट बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, मिड पॉइंट है जो उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा ताकि जो मेरा सेंटर में आ जाए विनेट। ये होने के बाद अब आपको आगे क्या करना होगा, जो मेरी लास्ट और मेन ट्रिक होती है वो है जो लाइट को है वो ट्रैवल कराना उसकी डायरेक्शन में। अब लेट्स से जो मेरी लाइट है वो इस तरफ से आ रही है, जो मेरी लाइट है लेफ्ट तरफ से आ रही है वो राइट को जाएगी, तो मैं इसको ज़रा ज़्यादा बड़ा ग्रेडियंट करके मैं ओपन करके ग्रेडियंट बनाऊँगा और यहाँ पे एक्सपोजर जो मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से लाइट आ रही है। कॉन्ट्रास्ट को कम कर दूंगा, हाईलाइट्स बढ़ा दूंगा, शेडोज बढ़ाऊंगा, वाइट्स जो है वो भी थोड़े से बढ़ाऊंगा और ब्लैक जो है वो मैं ट्राई करूंगा कि ब्लैक न्यूट्रल हो, तो ब्लैक्स को भी बढ़ा दूंगा। अभी जो लाइट का सोर्स है वो हो चुका है रेडी, अब एक और सोर्स बनाना है लाइट को ट्रैवल करने के लिए, इस टाइम शेडोज। यहाँ से नीचे से एक ग्रेडियंट बड़ा सा लेकर को नीचे कर दूंगा हल्का सा ताकि अगर इस पे ज्यादा इफेक्ट लग भी जाए तो ज्यादा दिक्कत ना करे। उसके बाद इसकी जो मैं हल्का सा एक्सपोजर कम करूंगा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दूंगा, हाईलाइट्स कम, शेडोज कम, वाइट्स कम, ब्लैक्स को मैं देखूंगा कि मेरे को एक्चुअली चाहिए क्या मेरी फोटो में डिमांडिंग।
रही है, तो ब्लैक्स भी मैं हल्के से कम करूँगा। अब ये होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको पहले वाले ग्रेडियंट पे फिर से जाना होगा और दिस टाइम आप यू हैव टू प्ले विद द लाइट। अब आपको देखना है कि आपको स्काई जो है उसका कलर क्या चाहिए। मेरे को ब्लू जो है वो सही लग रहा है थोड़ा। उसके बाद जो मैं टेक्स्चर है, क्लैरिटी है और डीहेज है, इसको मैं ऑब्वियसली कम करूँगा और सेम मैं नीचे वाले ग्रेडियंट के साथ भी करूंगा, सब कुछ कम कर दूंगा और यहाँ पे इसको मैं हल्का सा येलो कर दूंगा। बीइंग की जो रिफ्लेक्शन है वो पड़ रही है येलो स्टोन में। तो गाइज ये था जो है डॉक्टर स्ट्रेंज कंसेप्ट। आपने देख लिया होगा मैंने कितनी आसानी से जो है अपने फोन पे ही बना दिया इसको। आपको कुछ ज्यादा खास दिक्कत नहीं आएगी इसको बनाते वक्त। इसका मैं एक फोटोशॉप ट्यूटोरियल भी सोच रहा हूँ बनाने का, उसमें आपको मैं वॉक थ्रू कराऊंगा प्रॉपर तरीके से। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फ्यूचर में एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move.